मेरे को जितना पता है कि वो अक्षरधाम में मोबाइल अलाउ नहीं है, वो रख के जाना पड़ता है। हट गया भाई। यहाँ से कुछ जितना भी देखना है देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके जमा करना है फोन क्लॉक रूम में। तो ये क्लॉक रूम फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके बाद फिलअप करना पड़ेगा, वहाँ जाके डिपोजिट करना पड़ेगा। और भीड़ देख सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज योर ब्रो जबरदस्त जीत विजन, अगेन वेलकम टू दिस ब्लॉग। तो हम आके अक्षरधाम में पहुंच चुके हैं। तो अक्षरधाम जो मेट्रो स्टेशन है, ये है मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन में उतरने के बाद देखिए ये वाला नज़ारा, कुछ आप देख सकते हैं ये वाला नज़ारा, पीछे वाला मैं दिखाता हूँ कैसा है। ये वाला कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं अक्षरधाम का। तो चलिए चलते हैं। और हमारे साथ आज भी है राजेश भाई, हमारे साथ हैं और सिद्धार्थ भाई। चलिए चलते हैं, पास में चल के दिखाते हैं क्या है क्या है। चलिए जल्दी जल्दी चलिए चलते हैं। अगर आप अक्षरधाम जाना चाहते हैं, यह मतलब अक्षरधाम का जो है मेट्रो स्टेशन के बाहर आ जाएंगे तो बहुत सारे एक नंबर टैक्सी वाले भैया मिल जाएंगे, बहुत सारे। ये अक्षरधाम का जो है देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे ऑटो वाले भैया मिल जाएंगे। हम तो पैदल चल के जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो करीबन 800-900 मीटर ही होगा। तो चलिए चलते हैं पैदल। और आप अगर जाना चाहते हैं, ऑटो बहुत सारा मिल जाएगा, टैक्सी बहुत सारा मिल जाएगा। हम तो बाहर आ चुके हैं और ये नहीं आया था, आगे चला आया था थोड़ा। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो मैंने तो थोड़ा गलत बोल दिया कि 1 किलोमीटर या फिर 900 मीटर होगा, ये नहीं है भाई, ये नहीं है। क्योंकि 400 मीटर, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 405 मीटर का बोर्ड है। तो हम जो आए हैं, ये है अगस्त 14, तो कल तो है इंडिपेंडेंस डे। और ऊपर देख सकते हैं क्या है, हमारा तिरंगा झंडा, जय हिंद। अरे वो 450 मीटर ही क्या है भाई, 405 मीटर जाओगे तो आप 200 मीटर भी नहीं आओगे तो आपको नज़ारा आ जाएगा कुछ ऐसा नज़ारा। सामान कक्ष में जमा कराए, अक्षरधाम परिसर में आप अपने साथ केवल पानी की पारदर्शक बोतल। कितना बड़ा पार्किंग है भाई, कितना बड़ा पार्किंग है, आप देख सकते हैं। तो मंदिर कितना बड़ा होगा सोच लो। मेरे को जितना पता है कि वो अक्षरधाम में मोबाइल अलाउ नहीं है, वो रख के जाना पड़ता है। तो हट गया भाई। मोबाइल कहाँ रखना, आगे आगे ब्लॉक भीड़ देखने के लिए मोबाइल वगैरह, वहाँ लाइन लगी है भाई। यहाँ पे कुछ वीडियो करना अलाउ नहीं है, मैं बस छुपा के कर रहा हूँ। यूट्यूब के लिए धप्पा है भाई, ये वाला मत करो। और भाई कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन क्या मतलब, क्या बहुत ही लुच्चे की मोबाइल लो, क्या है बोल रहा है, कह रहा है छुपा के मोबाइल लो। देखिए कैसा लग रहा है ये भाई? इतनी खुशी सुन भाई, ये बाघ का बच्चा है, इसी वजह से मैं बाघ का बाघ का बच्चा है, छोटा बाघ है। तो यहाँ से कुछ जितना भी देखना है देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके जमा करना है फोन क्लॉक रूम में। वहाँ पे कितना क्या लेते हैं क्या करते हैं हम तो देखेंगे, जाके बोलेंगे आपको क्या कितना चार्जेस लगता है क्या लगता है। तो आप यहीं से जितना दिखा सकता हूँ दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिए क्योंकि आगे तो नहीं दिखा सकता। वो भीड़ देख सकते हैं आप वहाँ पर जमा करने के लिए, वहाँ पे जाके रखना है वो क्लर्क रूम में।
ये तो गाड़ी का एग्जिट है। तो ये क्लॉक बुक फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके बाद फिलअप करना पड़ेगा, वहाँ जाके डिपोजिट करना पड़ेगा। और भीड़ देख सकते हैं आप। और भाई मंदिर कैसा लगा? अच्छा लगा, इसका आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था। यही सब लाइटनिंग बहुत सारे मीन्स हमारे जो फाइटर्स को कौन सेवा ग्रेड स्वाधीनता संग्रामी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनमें बहुत सारे पहचानते थे, लेकिन और सब पहचानते उसमें ही वो जो गार्डन में था वो भी अच्छा लगा। मेन मंदिर के अंदर जो ऊपर का व्यू था व्यू मुश्किल था। और ये लास्ट वाला वैन स्ट्रोक। अच्छा वैन स्ट्रोक। और भाई कैसा लगा मंदिर? मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था। अच्छा। और उसके अंदर हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनका भी स्टैचू था और वगैरह स्पीकर भी था, और हमारा जो राम सीता उन लोगों का भी मतलब स्टैचू था, महाभारत और रामायण का बहुत सारे पार्ट था, बहुत अवसर था। और हमारा जो ग्रेट वुमेन है उन लोगों का भी मतलब स्टैचू था वहाँ पे, और हमारा जो सी वी रमन हो और उन लोगों का भी स्टेज था। और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया था, मतलब जो लोग लेके सामान डिपॉजिट किए थे उन लोगों मतलब सामान वापस लेने जाए, मतलब जो डेढ़ घंटे लाइन में खड़े रह के जो डिपॉजिट किया था वही ला सकता है। बस वही मैं भाई यकीन नहीं करोगे, एक घंटे मतलब लाइन के खड़े होने के बाद जब गया सामान लेने, बोले कि जो लाया था वो या क्या है, फेंक दिया ऐसे। हाँ। फेंक दिया वो टोकन ऐसे फेंक दिया, मतलब मैनेजमेंट सिस्टम ये सही नहीं है। हाँ। ये सही नहीं है। मेरे दोस्त मेरे बगल में खड़ा था, वो भी साइड में था, वो जो डिपॉजिट किया था उसके साइड में था, वो भी बोल रहा मेरे साइड में वो है, मैडम देख लीजिए, फेंक दिया ऐसे फेंक दिया, ये सही नहीं है। अरे वो तो बात कर लेना चाहिए था ना, वो साइड में ही था, ये सही नहीं था, बिहेवियर सही नहीं था। अगर चाहोगे तो आके यहाँ पे घूम कर जाना, बहुत बढ़िया मंदिर है। हाँ भाई, तो नाइट व्यू आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ नाइट व्यू कैसा रहता है यहाँ। ऑसम लगता है भाई। तो फाइनली हम तो घूम के आ चुके हैं और मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अब चलना है राजीव चौक क्योंकि बंगला साइड जाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।